वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। माय नेम इज वर्षा और मैं आज लेकर आई हूँ आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न। क्या है एग्जाम पैटर्न, कैसा होगा सिलेक्शन प्रोसेस, कौन से एग्जाम पहले होंगे, मेडिकल एग्जाम होगा नहीं होगा, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या क्या बुक्स हमें पढ़नी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस से। क्या होगा हमारा सिलेक्शन प्रोसेस या एग्ज़ाम पैटर्न आप कह लीजिए। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहला एग्ज़ाम होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT। जो फर्स्ट ईयर होगा वो CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड पैटर्न टेस्ट होगा। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा एंड फिजिकल मेजरमेंट होगा। सो फर्स्ट विल बी CBT टेस्ट, सेकेंड विल बी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा एंड फिजिकल मेजरमेंट, ये आपका सेकेंड सिलेक्शन प्रोसेस होगा। थर्ड विल बी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फोर्थ विल बी मेडिकल एग्जाम। तो ये है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए। फर्स्ट हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद एफिशिएंसी टेस्ट होगी हमारी। दिस इज एफिशिएंसी टेस्ट एंड उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सिलेक्टेड स्टूडेंट का एंड देन लास्ट में मेडिकल एग्जाम होगा। स्टूडेंट मैं आपको ये बता दूं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा दैट वो उतना टफ नहीं होगा। थोड़ा सा टफ हम एसआई वाले एग्जाम को लेके मान सकते हैं बट कांस्टेबल के लिए उतना टफ नहीं होगा। जो ज़्यादा फोकस करने की बात आती है तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में ज़्यादा फोकस करना होगा स्टूडेंट को, क्योंकि ये थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी एंड देन एंड में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फिर उसके बाद आपका पोस्ट मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, कैसे होगा एग्जाम पैटर्न हमारा, कितने क्वेश्चन आएंगे, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट विल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो ऑनलाइन टेस्ट होगा हमारा। दिस ऑनलाइन टेस्ट, पहले हमारा ऑफलाइन टेस्ट होता था बट अब हमारा ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसपे 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आउट ऑफ विच 50 क्वेश्चन जो होगा वो हमारा जनरल अवेयरनेस से होगा। 50 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम जनरल अवेयरनेस सेक्शन। उसके बाद 35 क्वेश्चन जो होंगे वो हमारा क्वांट से होगा, दैट इज क्वांट नहीं तो जिसे हम अरिथमेटिक भी कहा जा सकता है, इस पोर्शन से होगा। और 35 क्वेश्चन जो होंगे वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के नाम से, यानी कि रीजनिंग के पोर्शन, रीजनिंग आएगा 35 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। सो दिस इज टोटल 120 क्वेश्चन। जो टाइम अलॉटेड होगा दैट इज 90 मिनट, यानी कि डेढ़ घंटे का समय आपको दिया जाएगा 120 क्वेश्चन के लिए। उसके बाद बच्चे ये भी कंफ्यूजन में हैं कि जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़े, सिलेबस डिफाइंड है, जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना है आपको, जो बेसिक किस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करना है मैं वो बताती हूँ। जनरल अवेयरनेस में बेसिकली आपको ध्यान देना है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जो आप जो चीज़ें आपके अराउंड हो रही हैं या उस चीज़ का क्या एप्लीकेशन होगा सोसाइटी पे, क्या अफेक्ट होगा, उन सब पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एवरीडे ऑब्जर्वेशन, जो आप अपने चारों तरफ ऑब्जर्वेशन कर रहे हो उन सब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने साफ साफ ये मेंशन किया है कि हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पॉलिटिक्स से होगा, इकोनॉमिक से होगा, ज्योग्राफी से होगा, साइंस से होगा, तो स्पोर्ट्स से होगा, तो इन सब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो भी करंट अफेयर्स हैं स्टूडेंट, वो ऑनलाइन तैयारी के करंट अफेयर्स को जो डेली वीडियो, पीडीएफ या वन लाइनर्स जाते हैं आप उनको पढ़िए, दैट इज
करंट अफेयर्स के लिए मोर देन इनफ है वो वीडियो, करंट अफेयर्स फ्रॉम ऑनलाइन तैयारी इज मोर देन इनफ फॉर यू. प्रिपेयर करते रहिए करंट अफेयर्स सेक्शन यहाँ से, और बाकी चीजें आपको कहाँ से प्रिपेयर करनी है वो मैं इंपॉर्टेंट बुक्स में आपको बताऊंगी. फिलहाल चलते हैं हम. हमने आपको बता दिया है कि जनरल अवेयरनेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है. हम बात करेंगे हम क्वांट की, तो क्वांट के लिए जितने भी अरिथमेटिक के टॉपिक्स, जो सिलेबस मैंने इससे पहले हमारी एक वीडियो गई थी आरपीएफ एसआई की, उसमें पूरा सिलेबस डिटेल सिलेबस बताया गया है. तो मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ कि क्वांट अरिथमेटिक में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं अरिथमेटिक के अलावा, उसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी जो नोट करने वाली है वो ये है कि उसमें मेंसुरेशन भी मेंशन है, यानी कि एडवांस का टॉपिक भी मेंशन है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आएगा. और रही बात रीजनिंग की, तो जो उन्होंने सिलेबस में दिया है दैट इज रीजनिंग, और रीजनिंग के लिए आप मॉक टेस्ट लगाते रहिए, दैट इज मोर देन इनफ. बट हाँ, जनरल अवेयरनेस और क्वांट में आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. रीजनिंग आप टेस्ट लगाएंगे तभी इनफ होगा. ठीक है, तो हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिया आपको, एग्जाम पैटर्न बताया है. अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट बुक्स की, क्या इम्पॉर्टेंट बुक्स हमें रेफर करना चाहिए. तो मैं ये बता दूं कि क्वांट के लिए एक बुक है आर एस अग्रवाल की, दैट इज ये अच्छी बुक है, आप इसे परचेज कर लें. आर एस अग्रवाल की एक बुक आती है क्वांट की, रीजनिंग की भी यही है, आर एस अग्रवाल की एक बुक आती है. ये बहुत अच्छी बुक है स्टूडेंट, चाहे आप हिंदी में लीजिए चाहे आप इंग्लिश में प्रिपेयर कीजिए, दिस इज मोर देन इनफ. एंड जीएस के लिए मैं बोलूंगी आपको लूसेंट रेफर करने के लिए, उसमें सारा हिस्ट्री पॉलिटी जो भी है सब कवर किया गया है लूसेंट में. और करंट अफेयर्स के लिए ऑनलाइन तैयारी, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन तैयारी. उसके बाद अगर हम करें, सिर्फ बुक्स पढ़ने से स्टूडेंट नहीं होगा. मैं बार बार कह रही हूँ कि जितना मॉक टेस्ट देंगे उतना ही आपको फायदा होगा, तो मॉक टेस्ट देना मत भूलिए. ऑनलाइन मॉक टेस्ट फ्रॉम ऑनलाइन तैयारी, ऑनलाइन तैयारी के मॉक टेस्ट दीजिए स्टूडेंट. लेटेस्ट पैटर्न, जो भी पैटर्न है आरपीएफ का, जो सिलेबस है, जो एग्जाम पैटर्न है, उस पे बेस्ड है ऑनलाइन तैयारी के मॉक टेस्ट. अभी देने बैठ जाओ आप ऑनलाइन तैयारी के मॉक टेस्ट, देखो आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो. अगर आप अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, जो मैंने आपको बुक्स बताए हैं, जो मैंने आपको तरीके बताए हैं, जो मैंने करंट अफेयर्स के लिए बताया है, आप पढ़िए और वापस से लगा के देखिए. क्योंकि ये रीड आप टेस्ट बार बार दे सकते हो ऑनलाइन तैयारी में, ये आपको फायदा मिलता है कि आप टेस्ट को बार बार दे सकते हैं. तो अगर एक बार आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, पढ़िए फिर उसके बाद दोबारा दीजिए, खुद को देखिए आप में कितना इम्प्रूवमेंट आया है. तो दिस इज ऑल अबाउट एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड सिलेक्शन प्रोसेस. This is all about selection process, exam pattern, important topics and important books. अगर आपको कोई भी doubt है हमारे comment section में जरूर बताइएगा हमें, मैं आपके doubt को clear करूंगी. तो पढ़ते रहिए and all the best.